हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यह है हिंदी नवीन पल्लव पाठ 8 ए की मात्रा। बच्चों, आज हम पाठ 8 ए की मात्रा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने बिना मात्रा वाले शब्द आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, री की मात्रा। और बच्चों, अब हम ए की मात्रा का अध्ययन इस पाठ 8 में करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में ए की मात्रा नीचे ना लगा के ऊपर लगाई जाती है। आप ब्रैकेट में बहुत अच्छे से देख सकते हैं मात्रा कैसे लगाई गई है। तो अब हम इस वीडियो में ए की मात्रा के शब्द कैसे बोले जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये सभी चित्र दो अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्द हैं। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हैं ए की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द। पहला चित्र है रेल। अब देखिए, रे ए की साउंड आ रही है ना। तो सबसे पहले र पर हम ए की मात्रा लगाएंगे, वो ऊपर से लगाते हैं, रे ल, रेल। रेल के बाद है बच्चों दूसरा चित्र है सेब। स, स पर ए की मात्रा, से ब, सेब। सेब के बाद है के ला। क, क पर ए की मात्रा, के ला, के ला। एक बार मैं फिर से शब्द पढ़ रही हूँ, रेल, सेब, केला। अब इन 2 अक्षर वाले शब्दों के बाद बारी आती है 3 अक्षर वाले शब्दों की। तो पहला चित्र है ह, थे, ली। थ पर ए की मात्रा, हथेली, हथेली, हथेली। हथेली के बाद है बच्चों मेंढक। म, म पर ए की मात्रा, मेंढक, मेंढक। मेंढक के बाद है बे। ब पर ए की मात्रा, बेलन, बेलन। एक बार मैं शब्द फिर से पढ़ती हूँ, आप सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, हथेली, मेंढक, बेलन। बच्चों, अब ए की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, और अब बारी आती है 4 अक्षर वाले शब्दों की। ए की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। पहला है देवालय। देव प्लस आलय मीन्स देवालय, देवताओं का घर। आलय मीन्स घर, देवताओं का घर, भगवान का घर, जिसे हम कहते हैं मंदिर। देवालय मीन्स मंदिर। इसके बाद है बच्चों चॉकलेट। चा, चा पर सिर्फ चंद्र लगाया गया है। क, ल, ल पर ए की मात्रा, ले, ट, चॉकलेट। चॉकलेट के बाद है बच्चों टेलीविज़न। टे, ट पर ए की मात्रा, टे, ली, वी, जन, टेलीविज़न। देवालय, चॉकलेट, टेलीविज़न। टेलीविज़न, पहले टेलीविज़न बोलते थे हम, अभी आप सब जिसको टीवी बोलते हैं, है ना। तो अभी ए की मात्रा के हमने 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिए हैं। अभी हम बच्चों पेज नंबर 40 पर आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ ए की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में 2 अक्षर वाले शब्द, दूसरी पंक्ति में 3 अक्षर वाले शब्द,
और तीसरी पंक्ति में चार अक्षर वाले शब्द लिखे हुए हैं। चलिए तो हम पहले शब्द से स्टार्ट करते हैं, बेल। ब, ब पर ए की मात्रा, बे, ल, बेल। बेल के बाद है बच्चों पेड़, पे। प पर ए की मात्रा, पे, ड, पेड़। पेड़ के बाद खेत, ख। ख पर ए की मात्रा, खे, त, खेत। खेत के बाद है अब खेल, ख। ख पर ए की मात्रा, खे, ल, खेल। खेल के बाद है अब तेल, त। त पर ए की मात्रा, ते, ल, तेल। तेल के बाद है बच्चों भेड़, भ। भ पर ए की मात्रा, भे। ए की साउंड आ रही है ना, भेड़, भेड़। भेड़ के बाद है देश, द। द पर ए की मात्रा, दे, श, देश। देश, देश के बाद है मेवा, म। म पर ए की मात्रा, मे, वा। व पर आ की मात्रा, मेवा। सभी बच्चे मेरे साथ बोलें, मेवा के बाद है बच्चों के ला, क पर ए की मात्रा, के, ल, ल पर आ की मात्रा, केला। केला के बाद है मेला, म पर ए की मात्रा, मेला, मेला। मैं ये पहली पंक्ति फिर से पढ़ती हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ बोलें, बेल, पेड़, खेत, खेल, तेल, भेड़, देश, मेवा, केला, मेला। बच्चों अब दो अक्षर के बाद तीन अक्षर वाले शब्द आते हैं, ठ, ठे, रा, ठठे, रा। ठ पर पहले ठ पर मात्रा नहीं है, दूसरे ठ पर एक ही मात्रा है, ठठेरा। ठठेरा के बाद है र, मे, श, रमेश। र, मे, श, रमेश। रमेश के बाद है बच्चों स, वे, रा, सवेरा। व पर एक ही मात्रा लगी हुई है ना, तो ये क्या शब्द बनेगा, सवेरा। सवेरा के बाद है ह, वे। व पर एक ही मात्रा, वे, ली, हवेली। हवेली के बाद है ब, से। स पर एक ही मात्रा, से, रा, बसेरा। बसेरा के बाद है फिर वेतन, व। व पर एक ही मात्रा, वे, तन, वेतन। वेतन के बाद है स, पे, रा, सपेरा। प, हे, ली, पहेली। प, हे, ली। ल पर बड़ी की मात्रा, पहेली। पहेली के बाद है बच्चों चेतना, च। च पर एक ही मात्रा, चे, त, ना, चेतना। चेतना के बाद है बच्चों म, हे, श, महेश। एक बार मैं फिर से ये सारे शब्द पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठठेरा, रमेश, सवेरा, हवेली, बसेरा, वेतन, सपेरा, पहेली, चेतना, महेश। अब दो अक्षर और तीन अक्षर के बाद बारी आती है चार अक्षर वाले शब्दों की, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेहमान, म पर पहले एक ही मात्रा लगी हुई है, मेहमान। मेहमान के बाद है पहरेदार, पहरेदार, पहरेदार। पहरेदार के बाद है बच्चों खे,
ल वाड़ खेल वाड़। ख पर ए की मात्रा है ना, खेल वाड़ खेल वाड़। खेल वाड़ के बाद है र पर ए की मात्रा रे ल गाड़ी रेल गाड़ी रेल गाड़ी। रेलगाड़ी के बाद फिर से कौन सा शब्द है, प रे शा न परेशान परेशान। परेशान के बाद है म जे ज पर एक ही मात्रा जे दा र मजेदार। ज पर एक ही मात्रा है और द पर आ की मात्रा है मजेदार। मजेदार के बाद है बच्चों मेहनत म म पर एक ही मात्रा में ह न त मेहनत। मेहनत के बाद है बच्चों था ने दार थानेदार। बच्चों एक बार चार अक्षर वाले शब्द मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ बोलें। मेहमान, पहरेदार, खेलवाड़, रेलगाड़ी, परेशान, मजेदार, मेहनत और थानेदार। बच्चों आपका होमवर्क आज यही है कि आपको यह पाठ 8 दो बार पढ़ना है और एक ही मात्रा के 10 शब्द अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में आपको लिखने हैं। उन 10 शब्दों में आप 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द लिख सकते हैं। उन सभी 10 शब्दों में आप मिला जुला कर एक ही मात्रा के 10 शब्द बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज इस वीडियो में आप सभी को एक ही मात्रा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ही मात्रा के शब्द कैसे बोले जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और कैसे इसमें ऊपर की तरफ से मात्रा लगाई जाती है। थैंक यू।